वेलकम बैक टू माय चैनल रोमांसा एंड अरमन। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखा हुआ होगा। सो यार, बहुत दिनों से ना मैं अपने मतलब जहाँ पे हमारे इतने सारे पैरट्स थे ना, लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे पैरट्स ना सेल आउट कर दिए थे और उन पैसे की चिट्ठी भी खा ली थी। तो अभी मैं आई हूँ अपने सारे के सारे पैरट्स को देखने के लिए, अब कितने बचे हैं और कितने कितने जो हमारे पुराने थे वो हैं। तो चलो यार, आज मैं वहीं पर रिसर्च करने आई हूँ, तो अपने छोटे से मिनी जू को देखते हैं जिसमें सिर्फ पैरट्स ही पैरट्स बच्चे पड़े हैं। आज जल्दी सो गाइस, पहले हमारे पिंजरे जो थे ना वो अलग पोजीशन में रखे हुए थे, अब अलग पोजीशन में, तो उसकी वजह से थोड़ा कम भी दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं हमारे पैरेट्स। और देखें यार, अभी भी लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट भी। और अभी इस टाइम पर कंजस्टेड हो रही थी बहुत ज़्यादा जगह, तो हमने इसलिए सेल आउट किए थे, वरना हम कभी भी सेल आउट नहीं करते। कितना क्यूट है, ये भी सोच रहे होंगे यार बच्चे कुछ कहाँ चले गए। और गाइस, फर्स्ट रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सेकंड रीज़न ये था क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, तो बाबा ने बोला इनको सेल आउट करना ही सारा अच्छा डिसीजन है। और वैसे भी हमारे पास तो हम वैसे भी 4 पैरेट्स ही लाए थे, मतलब 2 पेयर्स, और उनसे इतने सारे हो गए माशाल्लाह। भाई आसान सी बात है, जैसे हम तंग करते हैं हमें पनिशमेंट मिलती है, इसी तरह हमें ये बहुत ज़्यादा मतलब तंग कर रहे थे और शरारतियाँ भी, मतलब सारा बाजरा वेस्ट कर देते थे, जब जितना दो उनसे आधा तो गिरा देते थे, तो इसलिए इनको पनिशमेंट मिली और ये चले गए। और भाई अब तुम लोग गाइस, वैसे तो इनका ख्याल बाबा ही रखते हैं, लेकिन मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो हाँ भाई कैसे हो, ख्याल वाल सही रख रहे हैं ना। ये क्या हो रहा है गाइस, इनमें से जो इनको हमने सेल आउट किया ना, वो तो ऐसा था, बाबा बता रहे थे कि अगर उसके करीब, अगर आप डोर के करीब भी जाओगे ना, उसको लगता है मुझे पकड़ने आ रहा है। वो पिंजरे में मार मार के उसका इतना खून निकल गया था। और उससे भी पहले हमारे एक तोता था जिसकी जो मदर जो उन्होंने उनकी चोंच तोड़ दी थी, अब वो ना खा सकते थे ना पी सकते थे, वो वैसे ही मर गया। तो गाइस, ये थे हमारे कुछ रीजंस जिसकी वजह से इतनी शैतानियाँ कर रहे थे। और बहुत से वो कमेंट चाह रहे थे यार हम इनको बिरयानी क्यों खिलाते हैं, डरा दिया क्या उसमें है, तो इनको बिरयानी क्यों खिलाते हैं, अब देखा ना कैसे तंग करा इसने मुझे, तो इसीलिए इनको बिरयानी हम खिलाते हैं क्योंकि इनकी फेवरेट हो चुकी है, अब इतनी फेवरेट है कि अभी मुझे अब गाइस एक दफ़ा दी थी, बच गई थी बिरयानी, अब ये इतने मज़े से खाते, इतने शौक से खाते हैं, पूरे घर में चिल्ला रहे होते हैं, तो इनकी फेवरेट हो चुकी बिरयानी है भाई है। और फ्रेंड्स, इससे कोई बीमार नहीं होते, बिल्कुल फिट रहते हैं, तो इस कमेंट का जवाब मैंने दे दिया है। और बाकी सबकी तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पहले ग्रे पैरेट इतने ज़्यादा थे, मतलब हमारे पास पहले ग्रे, येलो और लाइट येलो, बस यही 3 कलर थे जो हमारे पास भरे पड़े थे, लेकिन अब वो भी थोड़े कम हो गए यार। यहाँ इधर लाए कैमरा, वो देखिए पर्पल एंड येलो एंड ग्रे, तीनों कलर मिक्स, कितना क्यूट लग रहा है वो पीछे ग्रे के पीछे यार, बहुत प्यारा है। और हमारे पास रेड आइज भी हैं, ब्लैक आइज भी हैं, तो वो और ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और ऐसे ऐसे मिक्सचर बने हैं कि मतलब ग्रे और येलो भी देखिए मिक्स और उसमें थोड़ा सा ब्लू शेड भी है देखें, और पर्पल शेड भी हल्का हल्का सा आ रहा है नीचे वाले, ये देखिए येलो आ गए, ग्रीन पैरेट्स मतलब थोड़ा ग्रीन शेड, येलो शेड, ग्रे शेड भी मिक्स वाले हैं, वो अंदर बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो और भी बहुत सारे हैं, तो शेड कहो फ्लेवर कहो समझ में मुझे कुछ नहीं आ रहा। गाइस अभी तो ये थोड़े कम हो गए, लेकिन फिर ये ज़्यादा हो जाएंगे और इसकी शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर पुराने वाले वापस चले जाएंगे और नए वाले आ जाएंगे। लड़ क्यों रहे हो, देखो तो अभी भी देखें ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे हैं, तो बस यही चलता रहता है इन लोगों का, और इनको लड़ने देते हैं यार, मैं तो इसको जितना भी रोक लेना है फिर भी लड़ेंगे। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मुझे उम्मीद तो है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे पौधे कितने ज़्यादा बड़े हो गए, आपको एलोवेरा तो मेरा नज़ारा करो, इधर आए एलोवेरा देखें, ये कहीं से एलोवेरा लिखती है आपको, इतने बड़े बड़े, आप इनकी लंबाई देखें।
मतलब साइज चेक करें, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आपको ये लंबी लंबी शॉक नजर आ रही है। चलो इनको भी यूज़ करते हैं और आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। बाय बाय।